नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में शुरू हुआ लगभग सभी एक्सप्रेसवे और पैसेंजर ट्रेन का परिचालन। सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है बिहार पुलिस। बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के इस झील में जेट स्पाइस की हुई शुरुआत। इंग्लैंड सीरीज से पहले सबा करीम ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में शुरू हुआ लगभग सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन का परिचालन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अग्निपथ योजना को लेकर बंद हुई ट्रेनों के पहिए अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। हालांकि बीते दिन से तो बिहार में चलने वाली सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन लगभग शुरू कर दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब हालात सामान्य होने पर रेलवे ने इस क्षेत्र में सभी मेल एक्सप्रेस के अलावा ज्यादातर लोकल मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बुधवार से शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें रेलवे को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेलवे और बिहार के स्थानीय प्रशासन की तरफ से सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्टेशनों पर रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया है। स्टेशनों के हर कोने पर सुरक्षा बल लगातार निगाह रखे हुए हैं। जूनियर नेशनल बालिका अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने मारी बाजी। गुवाहाटी में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वाधान में चल रही जूनियर नेशनल बालिका अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में बीते दिन बिहार की टीम ने बाजी मारी है, जिसके तहत ही जूनियर नेशनल बालिका अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में एक बार फिर से बिहार की टीम ने विजय प्राप्त की। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार खेले गए मैच में बिहार ने दिल्ली को 5-0 से हराया। पंजाब की तरफ से 3 गोल लिए गए और उनको प्लेयर ऑफ द मैच एक लड़की को चुना गया है। इस मैच से पहले बीते दिन बिहार ने मेघालय को 18-0 और तेलंगाना को 8-0 से पराजित किया था। बिहार की टीम इस जीत पर बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी ने टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। बिहार का अगला और अंतिम लीग मुकाबला मध्य प्रदेश के खिलाफ खेला जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने निकाली रिक्तियां। कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल मिलाकर 1050 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें खनन, नागरिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार प्रणाली और EDP है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में BE या BTEC या BSc या MCA में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 22 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.coalindia.in पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी और जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है बिहार पुलिस। बिहार में दंगों और प्रदर्शन के दौरान फेक न्यूज, भड़काऊ बयान और सोशल मीडिया के विवादास्पद पोस्ट आग में घी डालने का काम करते हैं, जिसके तहत ही अग्निपथ योजना के खिलाफ भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन करने के दौरान भी कई जगहों पर हिंसक घटनाओं की खबर आई, जिसके बाद ही अब बिहार की नीतीश सरकार ने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इस पर ही अब 24 घंटों की पैनी नजर रखने के लिए EOU में एक यूनिट सोशल मीडिया पेट्रोलिंग का गठन किया गया है। सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट हर वक्त अपनी आंखें सोशल मीडिया पर रखे हुए है। इस यूनिट को अत्यधिक महिलाएं संभाल रही है। EOU के मुताबिक बहुत जल्द इस यूनिट का विस्तार किया जाएगा। शहरी BHC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर दिखेगी अब ANM। देश भर में कोरोना के मामलों में जारी उतार चढ़ाव के बीच बिहार के सभी शहरी क्षेत्र में टीकाकरण की गति बढ़ाने को लेकर अतिरिक्त मानव बल तैनात करने के लिए अपना निर्णय ले लिया गया है। इसके तहत ही अब शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर अतिरिक्त ANM को लगाया जाना है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से RT-PCR जांच के साथ अधिक से अधिक 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाने को लेकर घर घर दस्तक अभियान 2 चलाया जा रहा है। पोलियो के साथ कोरोना टीकाकरण अभियान को भी तेज कर दिया गया है। बूस्टर डोज नहीं लेने वालों की पहचान कर उनको बूस्टर डोज लेने को प्रेरित किया जा रहा है। अशोक चौधरी ने ई पर ऐप का किया शुभारंभ। बिहार के अधिकारियों के कामों का मूल्यांकन अब ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है। इसको लेकर हाल ही में भवन विभाग ने NIC की मदद से एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित करने का काम किया है, जिसके जरिए ही विभाग के अधिकारियों के परफॉर्मेंस का वार्षिक मूल्यांकन का काम होने वाला है। इसको लेकर ही अब बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन पद्धति ई पर स्पैरो का शुभारंभ किया। ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन पद्धति ई पर स्पैरो के माध्यम से भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों का अप्रेजल इस माध्यम से हो सकेगा। इस ऐप के जरिए अब विभाग के इंजीनियरों के कार्यों का मूल्यांकन ससमय और पारदर्शी तरीके से भी हो सकेगा। बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट।
बिहार में गर्मी की मार से अब लोगों को राहत मिलने वाली है, जिसके तहत ही झुलसाती गर्मी के बीच आने वाले 3 दिनों तक बिहार में बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 3 दिनों तक दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, इसके चलते कई हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। वैसे बिहार के कुछ इलाकों को अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार करना होगा। बिहार में सीमांचल के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हुई है, इसके बाद धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले लेता जा रहा है। IMD के ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुधवार और गुरुवार को ठीक ठाक बारिश होने की बात कही गई है। बिहार के इस झील में जेट स्पाइस की हुई शुरुआत। आने वाले समय में बिहार में पर्यटन के लिहाज से और ज्यादा विकसित होने की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार के बेतिया के अम्बामन झील में बोटिंग की शुरुआत हो गई है। बीते दिन पर्यटन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने टिकट खरीदकर सबसे पहले जेट स्पाइस का लुफ्त भी उठाया। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रकाश रॉय और DM कुंदन कुमार भी मौजूद रहे, जिसके बाद ही अब यहां नौका विहार की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी वजह से अब जिले में पर्यटक सिर्फ वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ही घूमने नहीं आएंगे, बल्कि अब यहां आकर बोटिंग का भी आनंद लेंगे। जो पर्यटक जेट स्पाइस और जेट अटैक जैसे सुविधाओं का आनंद लेने के लिए समुद्र किनारे गोवा जैसे शहरों में जाते थे, अब वो इसका मजा अम्बामन झील में भी लेने वाले हैं। बिहार की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में केंद्र ने दी स्वीकृति। बिहार सरकार के कई मॉडल की सराहना केंद्र सरकार कर चुकी है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने बिहार के भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार करने की बात कही है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने तो अब 10 राज्यों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। ये जानकारी राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष और योजना विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार मॉडल को पटना के अलावा मुंबई, चेन्नई, भोपाल, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, इंदौर, नागपुर, हैदराबाद में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना स्माइल शुरू की गई है। यूपी की बहू बनी नेहा सिंह राठौर। एक समय पर अपने गाने यूपी में काबा से यूपी की व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली नेहा सिंह राठौर अब यूपी की ही बहू बन गई है। नेहा की शादी अंबेडकर निवासी हिमांशु सिंह से हुई और ये शादी लखनऊ लीलांश थीम पार्क में की गई। इसमें ही मीडिया और नेताओं को दूर रखने का काम किया गया है। शादी के दौरान नेहा साड़ी पहने हुए नजर आ रही है। उनके घर परिवार के साथ दोस्तों और फिर करीबी लोग इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि लखनऊ में शादी करने का मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ और बाकी चीजों से दूर रहना है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गीताश्री की। गीताश्री पत्रकार और साहित्यकार है। कहानी, कविता, लेख इनकी प्रमुख विधाएं हैं। लाइव इंडिया वेबसाइट की संपादक गीताश्री आउटलुक पत्रिका की सहायक संपादक और बिंदिया पत्रिका की संपादक रही है। गीताश्री का जन्म 31 दिसंबर को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। गीताश्री की तरफ से किए गए रचनाओं की बात करें तो इसमें कविता जितना हक, औरत की बोली, स्त्री, आकांक्षा के मानचित्र, नागपाश में स्त्री, सपनों की मंडी, आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित 23 लेखिकाएं और राजेंद्र यादव संपादन, प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां सोन मछरी शामिल है। NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इस दिन करेंगी नामांकन। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को NDA ने अपनी तरफ से आगे किया है, जिसके बाद ही अब NDA के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन करने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुर्मू ये नामांकन CM नीतीश और PM मोदी की मौजूदगी में करने वाली है, जिसके बाद ही अब देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को वोटिंग है। वहीं दूसरी तरफ NCP चीफ शरद पवार के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा। वोटों की 21 जुलाई को होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम तारीख 29 जून तय की गई है। ITI की हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा होगी इस दिन से। ITI परीक्षा 2022 की तारीख बिहार बोर्ड ने अब जारी कर दी है। ये परीक्षा 7 जुलाई से 2 पालियों में होने वाली है। पहली पाली में हिंदी की और दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होगी। इसको लेकर बोर्ड ने वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने का विकल्प दिया है। इसके साथ ही अब बोर्ड ने भी उन छात्रों को 22 जून से 2 जुलाई तक परीक्षा शुल्क जमा करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अभी तक अपना शुल्क जमा नहीं किया है। मुंगेर के किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। लोग इस किले को मीर कासिम के किले के नाम से भी जानते हैं। इस किले का निर्माण कब हुआ इसको लेकर संदेह है, क्योंकि इसे कई इतिहासकार महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। पवित्र नदी गंगा के किनारे ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है। भारत के अन्य किलों की भांति ये किला भी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक संरचना का भ्रमण कर आप बिहार के अतीत को कुछ हद तक समझ सकते हैं। ये एक घेराबंद किला है, जिसके चारों तरफ 4 द्वार बने हुए हैं। ये किला 2 पहाड़ियों के साथ लगभग 222 एकड़ में फैला हुआ है।
किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको कई कब्र और स्मारक दिखेंगे, जिसमें शाह सुजा का महल, पीर शाह का मकबरा, चंडी स्थान मंदिर शामिल है। आपको बता दें कि ये देश का पहला किला है जिसके अंदर आबादी बस्ती है। अब नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी की समस्या, सूबे में 120 प्लांट तैयार। बिहार में ऑक्सीजन की कमी की समस्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में इसकी खासी समस्या देखने को मिली थी। इसी बीच अब बिहार में इसी कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने 120 प्लांट तैयार कर लिए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में किसी भी आपात स्थिति के दौरान ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए 120 PSA प्लांट पूरी तरह तैयार हो गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी PSA ऑक्सीजन प्लांटों में ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता की माप की गई है। इन सभी प्लांटों में से एक साथ पूरे राज्य में 285 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों एवं अनुमंडलों में PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों की स्थापना की गई है। रेलवे का इंजन बेचने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बिहार में अनोखी चोरी के सारे रिकॉर्ड उस वक्त टूट गए जब ऐसी खबर आई कि रेलवे का इंजन ही चोरी हो गया है, जिसने बिहार के प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी उंगली उठाने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद ही इस इंजन को बेचने वाले की तलाश की जा रही थी, जिसमें ही अब बड़ी कामयाबी मिली है। बीते दिन ही पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से स्टीम इंजन को कबाड़ में बेचने वाले इंजीनियर राजीव रंजन झा को पकड़ा गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस मास्टरमाइंड रेलवे इंजीनियर की गिरफ्तारी नोएडा से की गई है। बताया गया है कि वो पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। RPF IG S. मयंक ने बताया कि इंजीनियर को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में संवेदक पंकज कुमार धनिया अब भी फरार चल रहा है। विधायकों के सवाल का जवाब नहीं भेजना लापरवाही। 24 जून से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर बिहार में काफी चहलकदमी देखने को मिल रही है। इसी बीच 24 जून से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने समीक्षा बैठक की और इस बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने 17वीं विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए कई सवालों का अब तक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछना विधायकों का महत्वपूर्ण विधायी अधिकार है। सभा सचिवालय को अब तक उत्तर नहीं उपलब्ध कराने वाले विभिन्न विभागों के दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे और इससे उन्हें भी अवगत कराने की बात कही है। साथ ही प्रश्नों के उत्तर को अब तक नहीं भेजा जाना घोर लापरवाही और बिहार की जनता के प्रति गैर जवाबदेही भी माना जाएगा। अग्निपथ के विरोध में राजभवन मार्च करने पर भाजपा ने कसा तंज। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में उठी विरोध की आंधी ने अपने साथ कई चीजों को खाक कर दिया है। वहीं इस योजना के विरोध में ही बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी राजभवन मार्च निकाला, जिसके तहत उन्होंने इस मार्च के तहत राज्यपाल को अग्निपथ योजना वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद ही अग्निपथ के विरोध में राजभवन मार्च करने पर भाजपा ने तंज कसा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दोनों दलों को आड़े हाथों लेते हुए बिना उनका नाम लिए जमकर तंज कसा, जिसके तहत ही सोशल मीडिया पर संजय जायसवाल ने एक पोस्ट में लिखा कि जहानाबाद में पुलिस की निगरानी में जेल तोड़कर हथियारों को आजाद करने वाली सरकार और जेल तोड़ने वाले और भागने वाले हथियारों के तीमारदार दोनों गले में गले मिलाकर राजभवन मार्च कर रहे हैं। 27 जून को जाप सभी विश्वविद्यालय को करवाएगी बंद। बीते दिनों ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेशी के लिए बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय पहुंचे थे, जहां पर ही साल 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव के समय में पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर 5 मिनट लेट से पहुंचा था। इसके कारण निर्धारित समय से अधिक देर तक चुनावी जनसभा चलती रही। इसके बाद जिला प्रशासन ने बिहार थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज कराया था। पेशी के बाद जैसे ही पप्पू यादव कोर्ट परिसर से बाहर निकले, उसके बाद अग्निपथ योजना के विरोध में पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 27 जून को बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को बंद कराने का काम करेगी। तेजस्वी के राजभवन मार्च से कांग्रेस ने बनाई दूरी। बीते दिन अग्निपथ योजना के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च निकाला था, लेकिन उनके इस मार्च से कांग्रेस ने दूरी बनाई थी। कांग्रेस की इसी दूरी पर अब कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसके तहत ही बीते दिन इस मामले को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया। इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही दे सकते हैं। कांग्रेस पहले ही अग्निपथ योजना के विरोध के लिए बिहार में कई कार्यक्रम कर चुकी है। हर एक जिला में कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी पार्टियों को अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं और कोई भी पार्टी अगर आज देखा देखी राजभवन मार्च कर रही है तो हम क्या कहेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज।
प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने 2008 में सिफारिश की। टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने 2008 में मैक्सिको की टायर कंपनी टोर्निल और उसकी सहायक कंपनियों सहित $270 करोड़ का अधिग्रहण किया। गुजरात का रानी की बाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। एयर इंडिया का एक यात्री विमान 1985 को आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 यात्री की जान गई थी। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जन्म 1934 में हुआ। प्रदीप कुमार बैनर्जी का जन्म 1936 में हुआ। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। भारतीय नेता और इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन 1980 में हुआ। इंग्लैंड सीरीज से पहले सवा करीम ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंचकर तैयारियों में जुट गई है। 1 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेली जाएगी। ये टेस्ट पिछले साल हुए टेस्ट सीरीज का बचा हुआ आखिरी मैच है। दरअसल पिछले साल भारत 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने गई थी। इंडिया न्यूज पर भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच पर प्रीव्यू करते हुए सबा करीम ने भी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि ये मैच भविष्य के लिए टेस्ट क्रिकेट के अप्रोच को डिफाइन कर सकता है। सबा करीम ने कहा कि मुझे लगता है कि ये मैच तय करेगा कि आपको आगे जाकर टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। ये न केवल भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच होने जा रहा है, बल्कि ये 2 माइंडसेट्स के बीच की लड़ाई होने जा रही है। मालामाल कर देंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए आप मोटी कमाई कर सकेंगे। खुद कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग न सिर्फ इसकी जानकारी देते देखे गए हैं, बल्कि तरीके भी उन्होंने बताए हैं। अगर आप भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। हाल ही में फेसबुक के संस्थापक ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर क्रिएटर्स के लिए 5 नए फीचर्स की घोषणा की है, जिसमें है इंटरऑपरेबल सब्सक्रिप्शन, फेसबुक स्टार्स, मोनेटाइजिंग, रील्स, क्रिएटर मार्केटप्लेस और डिजिटल कलेक्टिबल्स जैसे फीचर शामिल है, जिससे आप आसानी से पैसे घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। मोबाइल कंपनी पर केस दर्ज की खबर की सच्चाई आई सामने। बीते दिन सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें तेजी से फैल रही थी कि किसी मोबाइल कंपनी पर एक उपभोक्ता द्वारा केस किया गया है, जिसके बाद ही ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि ये खबर झूठी थी तो आप भी शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। जी हाँ, इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। कंज्यूमर कोर्ट में ऐसा कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इसको लेकर उपभोक्ता आयोग कोर्ट के अध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि ऐसा कोई केस यहां दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी खबरें उन तक भी पहुंची है, लेकिन ये खबर बिल्कुल है। उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें जिक्र किया गया कि ये अफवाह पूरी तरीके से है। श्रावणी मेले को लेकर शुरू हुई तैयारी। कोरोना काल के 2 साल बाद बाबा वैद्यनाथ के दरबार में भक्त फिर से हाजिरी लगाएंगे। इसको लेकर तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है, क्योंकि इस बार देवघर में भव्य रूप से श्रावणी मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर पुलिस महकमा चौकस है और लगातार कावड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कार्य योजना भी बनाने का काम हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेले का आयोजन नहीं होने के कारण ही मंदिर पर आश्रित लोगों और दुकानदारों को भी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार मेले का आयोजन हो रहा है, ऐसे में श्रद्धालु भी काफी उत्साहित है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है एमके यादव, गौतम कुमार, सतीश आजाद, विद्यासागर, बबीता यादव, नवीन कुमार, रोहित कुमार, सरवन झा, सौरश्या अनन्या, शंकर मुखिया, इंदु देवी, विकास कुमार सिंह, अरविंद कुमार, रवि पासवान, सुनील कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार घूमने के लिहाज से बिहार का कौन सा पर्यटन स्थल सबसे ज्यादा रमणीय है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।